बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप लोग खैर आफियत से रहें। अल्लाह पाक आप लोग को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। हर गम परेशानी आप लोग के करीब भी नहीं आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए, आज हम अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं यहीं से। तो देखिए जी, आज है संडे, संडे स्पेशल। तो मैं आज संडे स्पेशल कुछ डिनर बनाऊंगी, स्पेशल डिनर, और वो मैं आपको बताऊंगी। आज मैं बनाऊंगी कोरमा, आलू गोश्त और पुलाव बनाऊंगी, प्लेन पुलाव जो बहुत मज़े का बनता है। तो देखिए मैं बनाऊंगी। तो देखिए जी, मैंने आलू चढ़ा दिया है कुकर में। पहले आलूओं को अच्छे से गला लूँगी कलर और मिर्च दे करके। तो बहुत लंबी वीडियो है इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड करके ही कर रही हूँ। लंबी वीडियो हो जाने से हो सकता है आप लोग बोर हो जाएं। हो सकता है कि आप लोग ज़रूर बोर हो जाएंगे और सोचेंगे इतनी लंबी वीडियो, किसके पास इतना वक्त है, किसके पास इतना टाइम है कि इतना देर देखे। इसलिए मैं छोटा करके फॉरवर्ड करके आप लोग को दिखा रही हूँ। इसलिए आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखें मेरी। और ये देखिए, मैं अपना काम शुरू कर चुकी हूँ और अब मैं अपना कोरमे की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए जी, और मौसम तो बहुत ही सुहाना हो रखा है। ठंड ठंड की आमद है और ठंडी के मौसम आ रही है, और ठंडी के मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोग कमेंट में बताएं प्लीज़ कि आप लोगों को कैसा। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ठंडी का मौसम कैसा लगता है। मुझे तो ये मौसम बहुत सुहाना लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और देखिए, अब मैं कोरमे की तैयारी कर रही हूँ। ज़्यादा वीडियो आप लोगों को पूरी रेसिपी तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन तो जी देखिए, मैं उधर बगल में, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं देखिए मैं सलाद बना रही हूँ, खीरे काट रही हूँ। और इसी के साथ मैं अपना काम शुरू कर चुकी हूँ, अपनी लंच बना रही हूँ। ये दोपहर का टाइम है तो मैं लंच बना रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ कोरमे की। Thank you.
मैंने बताया था कि मैं पूरी रेसिपी नहीं दे पाऊँगी, लेकिन मेरा कोरमा बस रेडी ही होने वाला। और ये देखिए, मैं दूध उबाल रही थी अपने बेटे को देने के लिए, तो ये देखिए मैं दूध डालकर उसे दे चुकी हूँ। और देखिए मेरी कुकर में सीटी लग रही है, आप लोग देख सकते हैं सीटी लग रही है, और मैं अपना काम कर रही हूँ जल्द जल्द फटाफट। और मैं यहाँ पुलाव के लिए ना प्याज को, लच्छेदार प्याज को काट लूँगी, ताकि मैं उसमें गार्निशिंग करने के लिए ना उसमें प्याज को अच्छा से फ्राई करूँगी, क्योंकि प्लेन पुलाव है तो उसमें प्याज के, लच्छेदार प्याज जो ब्राउन कलर के डाले जाते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्ट आते हैं और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। देखिएगा आप लोग ज़रूर, और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा देख लिए और फिर बस बीच में ही छोड़ दिए। प्लीज़ यहाँ पे पुलाव बनाने की तैयारी कर रही हूँ। देखिए मैंने कहा था ना, मैं प्याज को लाल करके रख चुकी हूँ, और ये मेरा कौरमा है जो रेडी हो चुका है। अब इसको मैं पूरी फिनिशिंग टच दे रही हूँ। इसमें आलूओं को जो मैंने अलग से गलाया था उसको डालकर इसमें मिला लूँगी, और उसे एक बॉयल आने तक थोड़ी देर के लिए दम पर लगा दूँगी, तो मेरा कौरमा रेडी हो जाएगा। तो देखिए आप लोग बस। और देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो भी बर्तन वगैरह खाना बनाने से जो निकल जाता है वो सब मैं वॉश कर रही हूँ, तो फटाफट से अपने सारे बर्तनों को समेट लूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं धोऊँगी क्योंकि शाम में मेरी मेड तो आएगी। Oh,
और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ ना कि फूड कलर को दूध में थोड़ा सा ये कर दूँगी। मेरा पुलाव भी अब बस रेडी ही हो चला है और देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा फूड कलर दूँगी तो पुलाव में हल्का सा कलर आ जाने से क्या होता है ना, बहुत देखने में खूबसूरत लगता है और खाने में भी अच्छा मज़े का लगता है। तो देखिए मैं यहाँ पर फूड कलर को हल्का सा चम्मच से मिला लूँगी और उसको पूरे पुलाव के ऊपर फैला कर डाल दूँगी। तो देखिए आप लोग इस तरह से हमने डाल दिया है। ये पुलाव बहुत मज़े का बनता है, मेरे बच्चे लोग बहुत शौक से खाते हैं और मैं भी खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखिए और ऊपर से मैंने लच्छेदार प्याज को डाल देना है। तो देखिए जी मेरा कौरमा रेडी हो गया और पुलाव भी रेडी हो गया है और मैं अपना लंच निकाल रही हूँ, अपने बेटे को दे रही हूँ। तो देखिए जी कैसा लग रहा है आप लोगों को देखकर बताइएगा। ये देखिए हम लोग खाने के लिए चले, अपने बेटे के लिए निकाल रही हूँ और देखिए, और आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, आप लोग भी खा लीजिए। देखिए और ये है हमारा सलाद जो मैं बना रही थी और बहुत यम्मी बहुत मज़े का बना था। ये देखिए हम लोग खाना खा रहे हैं और हम लोग साथ में यहीं पे खाना हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो और मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को अगर वॉच करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।